शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हुए सम्मिलित। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। रविवार को प्रातः जनता दर्शन करने के उपरांत बलिया के लिए करेंगे प्रस्थान। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले सीएम योगी। कहा, बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है सरकार। शोध चिकित्सकों की जिम्मेदारी, लैब व लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रहे मेडिकल स्टूडेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पता लगाएं बीमारियों का कारण। रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बाधित किया तो बिछड़ जाएंगे हम। हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पारण के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में आंवला पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सहभोज का किया गया आयोजन। परंपरागत रूप से प्रतिवर्ष गोरक्षपीठाधीश्वर की उपस्थिति में होता है सहभोज। गोरखपुर के उद्यमियों व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद। कहा, गोरखपुर सिर्फ एक शहर का नहीं है नाम, गोरखपुर है व्यापार का बड़ा केंद्र। गोरखपुर को बनाएंगे निवेश का बेहतरीन गंतव्य। और पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नरसक के तत्वाधान में 4 से 10 नवंबर तक खेली जा रही 66वीं अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 प्रतियोगिता के दूसरे दिन पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल, पूर्व रेलवे और दक्षिण रेलवे ने जीते अपने अपने मैच।